इस टर्म का डिग्री है 3, इस टर्म का डिग्री है 4, ये सारे डिग्री हैं, और इसका डिग्री हो जाएगा 2, इसका डिग्री हो जाएगा 0, इसका डिग्री हो जाएगा 1। तो क्योंकि ये पूरा का पूरा डिग्री ना तो असेंडिंग ऑर्डर में है और ना ही डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बोला जाएगा। लेकिन अगर इसी को हम कुछ ऐसा लिखें 2x to the power 4, उसके बाद 5x to the power 3 -3x² - 7x + 8, तो ध्यान दें यहाँ पर इस पूरे एक्सप्रेशन में जो भी डिग्री है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है। अब ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, या उल्टा भी लिख सकते हो, जैसे 8 - 7x - 3x² + 5x³ + 2x⁴। तो ये फॉर्म भी स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा। मतलब कोई भी एक्सप्रेशन अगर या तो असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ हो डिग्री के हिसाब से, तो हम लोग उसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल बोलते हैं। और जितना भी डिवीजन ये सब कोई भी प्रोसेस जब होता है तो प्रायः हम लोग कोई भी एक्सप्रेशन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखते हैं, उसके बाद इसको बनाते हैं।